हेलो टू माय डियर ऑल स्टूडेंट्स, टुडे इज अवर टॉपिक इज हेपेटाइटिस एंड अल्कोहलिक लीवर डिजीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेपेटाइटिस, व्हाट इज हेपेटाइटिस? दिस इज द वर्ड ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हेपर मीनिंग लीवर एंड आइटिस मीनिंग इन्फ्लामेशन। दैट मीन्स लीवर के इन्फ्लामेशन को हेपेटाइटिस कहा गया है। जब लीवर में किसी वजह से वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, बॉडी के अंदर कोई वायरल इन्फेक्शन आ जाए और वो वायरल इन्फेक्शन लीवर को इन्फ्लेम्ड कर दे, लीवर के अंदर इन्फ्लामेटरी कंडीशन पैदा कर दे, तब हो जाता है हेपेटाइटिस। लेकिन वायरल इन्फेक्शन के अलावा दूसरे और भी ऐसे कॉजेज हैं जिनसे हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, लाइक ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस या ऐसा हेपेटाइटिस जो किसी इलीगल मेडिकेशन या हायर डोज ऑफ मेडिकेशन या हिपेटोटॉक्सिक ड्रग्स की वजह से हो जाता है। कई बार कभी आप अननेसेसरी टॉक्सिन्स के कांटेक्ट में आ गए तब भी कई बार ये लीवर इन्फ्लेम्ड हो सकता है तो हेपेटाइटिस होगा। अब्यूज जो करते हैं अल्कोहल का या हाई कंजप्शन जो करते हैं अल्कोहल का, उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस का मीन है कि जब हमारा खुद का लीवर उसके टिश्यूज ऐसी एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दे जो हमारे ही लीवर की सेल्स को अपोप्टोसिस करेंगी, जो हमारे ही लीवर की सेल को नेक्रोसिस पैदा करेंगी, हाइपोक्सिया पैदा करेंगी, तो ऐसी सिचुएशन को कहते हैं ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। मीन्स लीवर के टिश्यू एंटीबॉडी ही ऐसी बना रहे हैं जो अपनी ही सेल को डैमेज करने का काम कर रहे हैं। तो हेपेटाइटिस बेसिकली लीवर का एक इन्फ्लामेशन, लीवर की एक प्रॉब्लम भी कोई आम प्रॉब्लम नहीं, इट्स अ वेरी सीवियर एंड सीरियस क्रॉनिक डिजीज इशू। कुछ पेशेंट को जब ये प्रॉब्लम होती है तो स्टार्टिंग में उनको कई बार स्किन पे येलो डिस्कलरेशन दिखाई देने लगती है, मतलब उनकी जो स्किन है वो पीली होनी शुरू हो जाती है जैसे जॉइंटिस में होती है, और आईज भी वाइट होना शुरू हो जाती है। उन पेशेंट्स के और दूसरे सिम्टम्स क्या है, उनको पुअर एपेटाइट होगी, भूख कम लगेगी, वॉमिटिंग होगी बार बार, टायर्डनेस रहने लगेगी, एब्डोमिनल पेन होने लगेगा और कई बार डायरिया भी हो सकता है। इस बिहाफ पे जो सिम्टम्स कलेक्ट होते हैं उनके बिहाफ पे हेपेटाइटिस को कैटेगराइज कर दिया जाता है कि ये टेम्पररी हेपेटाइटिस है या लॉन्ग टर्म हेपेटाइटिस है। टेम्पररी मीन्स एक्यूट, एक्यूट का मतलब होता है कि जब आपको लीवर में इससे ये जो सिम्टम अभी मैंने आपको बोले, जब इनकी प्रॉब्लम को होते हुए 6 महीने से कम का समय हुआ हो, तो 6 महीने के कम के समय में अगर ये प्रॉब्लम आई है तो एक्यूट या टेम्पररी हेपेटाइटिस थी, और अगर 6 महीने से ज्यादा का समय हो गया है इन्हीं प्रॉब्लम के साथ आपको चलते हुए, तब आपको ये क्रॉनिक या लॉन्ग टर्म लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट कहलाएगा इस हेपेटाइटिस का। एक्यूट हेपेटाइटिस जनरली कई बार खुद भी रिजॉल्व हो जाती है, खुद ठीक हो जाती है, मतलब ये जरूरी नहीं है कि इसकी पहचान हो पाए या पेशेंट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो। कई बार ये एंटासिड्स और दूसरी जो हमारी गैस्ट्रिक कंट्रोल करने की जो टेबलेट्स या मेडिसिन होती हैं उनकी वजह से भी कई बार ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, लेकिन अगर ये कंट्रोल ना हो तब ये प्रोग्रेस हो जाती है क्रॉनिक हेपेटाइटिस में, और ऐसी सिचुएशन में कई बार आपको एक्यूट लीवर फेलियर का सामना करना पड़ सकता है। क्रॉनिक हेपेटाइटिस जब किसी पेशेंट को हो जाएगी तो उसको आगे फर्दर वो प्रोग्रेस होते हुए लीवर के जितने टिश्यूज हैं उनको इतना हार्ड कर देगी जिस प्रॉब्लम का नाम दिया गया स्कैरिंग, मतलब लीवर में स्कैरिंग हो जाएगी। स्कैरिंग होगी तो लीवर भी धीरे धीरे फेल हो जाएगा और अल्टीमेटली एक दिन लीवर में कैंसर प्रोड्यूस हो जाएगा इसी हेपेटाइटिस की वजह से। कॉजेज क्या है हेपेटाइटिस में? बेसिकली जो मेजर कैटेगरीज हैं वो डिवाइडेड की गई हैं 5-6 कॉजेज में, कि एक तो इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से, मेटाबॉलिक सिस्टम की वजह से, इस्चीमिया की वजह से, ऑटो इम्यून प्रॉब्लम की वजह से, और जेनेटिकली भी और अदर मीन्स भी हैं। इन्फेक्शियस एजेंट में लाइक वायरस, बैक्टीरिया या कोई पैरासाइट आपकी बॉडी में एंटर कर गया ब्लड के थ्रू या माउथ कैविटी के थ्रू, जीआईटी के थ्रू, और उसने वहां जाके इन्वेडिंग करना शुरू कर दिया लीवर के टिश्यूज को। टॉक्सिन्स हैं, ड्रग्स हैं बहुत सारी, अल्कोहल है या नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर के केसेस हैं जो कि कई बार मेटाबॉलिज्म से जुड़े हुए हैं, कि अगर आपका सपोज किसी वजह से मेटाबॉलिज्म नहीं ठीक चल रहा था या आपने कुछ ऐसा खाना खाया जब मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हुआ हो, तो ये भी प्रॉब्लम कई बार लीवर में इंजरी कर देती है जो अल्टीमेटली इन्फ्लामेशन को बढ़ावा देती है, और अगर हम इसे टाइमली कंट्रोल ना करें तो फिर ये हमारे गैस्ट्रिक जूसेस को, पैनक्रेटिक जूसेस को, बाइल जूसेस को, सबको डिस्टर्ब कर देगी, जिससे कि फर्दर हेपेटाइटिस होने के चांस बढ़ जाएंगे। ऑटोइम्यून और जेनेटिक कॉजेज में जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस यानी कि हेरिडिटरी या जीन्स की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है कई बार, ये बहुत कम लोगों को हालांकि अफेक्ट करती है लेकिन ये भी आती है, जेनेटिकली भी हेपेटाइटिस आ जाता है। मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो वायरस ही है, वायरस की वजह से ऐसा होता है, और वायरस भी कहाँ से आता लगता है, जनरली हमारे पानी से इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है या कुछ ऐसा अनहाइजीनिक फूड हमने खा लिया, मोस्ट ऑफ द कॉज है वाटर बॉर्न। तो पानी अगर हम मान लीजिए कहीं पर गंदा पानी पी रहे हैं या कुछ ऐसा पानी पी रहे हैं जो इन्फेक्टेड है या जिसमें बैक्टीरिया लोड बहुत ज्यादा है या वायरल लोड वहां उस इलाके में बहुत ज्यादा है, तो हमें ये प्रॉब्लम पानी की वजह से बहुत जल्दी बॉडी के अंदर आ जाती है।
अब हम आ जाते हैं एक्यूट और क्रॉनिक के बिहाफ पे साइन सिम्टम की तरफ डिटेल में। एक्यूट हेपेटाइटिस का मतलब कि ऐसी इनिशियल प्रोड्रोमल फेज यानी कि प्रोसीडिंग सिम्टम्स की स्टार्टिंग। प्रोड्रोमल का मीन होता है कि जब आपको सिम्टम्स स्टार्ट हुए हैं, अभी कंफर्म नहीं हुआ, डायग्नोज कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन उस जैसे सिम्टम्स आने स्टार्ट हो गए, तो इनिशियल जो प्रोसीडिंग्स हैं सिम्टम्स की उनमें कई बार आपको नॉन स्पेसिफिक एंड फ्लू लाइक सिम्टम भी होंगे, मतलब ऐसे जिनकी बहुत ज्यादा टेंशन नहीं ली जाती है लेकिन फ्लू लाइक सिम्टम्स आने लगेंगे। इसका मतलब यह है कि आपको एक्यूट वायरल इन्फेक्शन बॉडी के अंदर हो चुका है, आपको फैटीग रहेगी, नोजिया होगा, वॉमिटिंग होगी, पुअर एपेटाइट होगी, ज्वाइंट में पेन रहेगा, हेडेक भी हो सकता है, फीवर अगर आपको प्रेजेंट हो गया है तो आप समझ लीजिए कि आपका जो हेपेटाइटिस है उसके टाइप होते हैं 5, तो उसमें से वो ए या ई, अगर फीवर स्टार्ट हो गया आना तो ए और ई वाला हेपेटाइटिस हो सकता है आपको हो गया हो। फर्दर यही फेजेस आपको आगे जब डेवलप हो जाएंगे तो स्पेसिफिक सिम्टम्स आने लगेंगे, आपका यूरिन डार्क कलर का आने लगेगा जिस बीमारी को कोल्यूरिया कहते हैं, और आपका जो स्टूल है, जो फीसिस है, वो भी क्ले कलर की हो जाएंगी, डार्क कलर की, मटमैले कलर की स्टूल्स आने लगेगी। तो उस सिचुएशन में समझा जा सकता है कि हेपेटाइटिस जो है वो ए से, हो सकता है ए से बी में कन्वर्ट हो गया हो या बी से सी में कन्वर्ट हो गया हो। स्किन का येलो होना, आंखों का व्हाइट हो जाना या येलोइश हो जाना, ये आपको 1 से 2 हफ्ते के बीच में ही प्रोड्रोमल इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा, इतना सिम्टम 1 से 2 हफ्ते में आना शुरू हो जाएगा, और अप टू 4 वीक्स तक आपको ये प्रॉब्लम पूरी तरह सिम्टोमेटाइज हो जाएगी कि हेपेटाइटिस कंफर्म हो चुकी है। नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स में ही अगर हम देखें तो प्रोड्रोमल लेवल पे जो नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं वो कई बार टाइमली रिजॉल्व हो जाते हैं, मतलब पेशेंट को बहुत ज़्यादा हायर मेडिसिन या कोई बहुत ज़्यादा हाइपर ट्रीटमेंट नहीं लेना पड़ता, टाइमली हमारे खाने पीने की आदतों से या एक्सरसाइजिंग करने से, डाइट कंट्रोल करने से, ये सब चीज इससे ठीक हो सकते हैं कई बार एक्यूट लेवल पे। जो नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स है उनकी बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन जो प्रॉब्लम अगर लोग स्टार्टिंग में उसको कंट्रोल ना कर पाए या परहेज ना रखें, लगातार वो अनयूजुअल फूड, मेडिसिन, इस तरह की चीज़ें, अल्कोहल लिए चले जा रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम फिर लीवर को एनलार्ज कर देगी, और लीवर जब एनलार्ज होगा तो आपके राइट अपर एब्डोमेन में पेन होना शुरू हो जाएगा और आपको उठने बैठने में बहुत डिस्कम्फर्ट फील होगा। 10-20% जो पीपल्स हैं वो, उनको कई बार लीवर के साथ साथ उनका स्प्लीन भी एनलार्ज हो जाता है ऐसी सिचुएशन में। तो ऐसे में आपको जब स्प्लीन भी एनलार्ज होने लगेगा तो आपको अनइंटेंशनल वेट लॉस भी होने लगेगा, आपका धीरे धीरे आपको लगेगा कि बॉडी का वेट भी लॉस हो रहा है। अब कुछ केसेस होते हैं ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस के, कि आप ड्रग ले रहे थे किसी और बीमारी की, उससे आपको एलर्जी होने लगी या उससे आपको कुछ दूसरे मैनिफेस्टेशंस आने लगे, लाइक रैश पड़ने लगे, फीवर होने लगा, सेरोसाइटिस होने लगी, जिसे इनर मेम्ब्रेन लाइनिंग, ऑर्गन की जो लाइनिंग होती है मेम्ब्रेन्स की इनर, उस पर इन्फ्लामेशन होना, या आपको इयोसिनोफिल का एलिवेशन होने लगा जो कि WBC का एक पार्ट है, या फिर आपकी बोन मैरो की एक्टिविटी सप्रेस होने लगी, इस तरह के केसेस आने लगेंगे, तो समझ लीजिए ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस आपको हो गया है। ये 5 टाइप्स हैं ABCDE। इसमें जो जनरली बहुत ज़्यादा सीरियस इफेक्ट करने वाले हैं वो बी और सी हैं, डी उन्हीं को होगा जिनको पहले बी हो चुका होगा। ए और ई जो है वो बहुत ही रिकवरेबल हैं, इनसे कोई बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होता है, इनके लिए इम्यूनाइजेशन अवेलेबल है, और ई को तो केवल साफ पानी पीने से ही कंट्रोल किया जा सकता है कि आप गंदा पानी मत पीजिए, तो आपको जो हेपेटाइटिस ई हुआ है वो आपका ऐसे ही नॉर्मल कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन बी और सी आर द वेरी डेंजरस सिचुएशन ऑफ द हेपेटाइटिस। सी तो अल्टीमेटली एक तरह से आप लीवर कैंसर या लीवर सिरोसिस इसको बोल सकते हो। अब पहले हेपेटाइटिस सी की बात करेंगे। ए क्या है? इट इज कॉज्ड बाय ईटिंग फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर कंटामिनेटेड विद ए वायरस कॉल्ड HAV, जो कि हेपेटाइटिस ए वायरस के नाम से ही जाना जाता है। HAV वायरस से जो कंटामिनेटेड वाटर हो या ऐसा कोई फूड जिसमें HAV वायरस ऑलरेडी था वो आपने इनटेक कर लिया, या फिर आपने किसी ऐसे पर्सन के साथ सेक्स कॉन्टैक्ट कर लिया जिसको HAV वायरस इन्फेक्शन था, तो आपकी बॉडी में भी ये ट्रांसफर हो जाएगा। इस सिचुएशन में लीवर इन्फ्लेम्ड हो जाएगा, लीवर में स्वेलिंग आ जाएगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उस प्रॉब्लम क्रॉनिक होगी या लाइफ लॉन्ग चलेगी, इट मे बी कंट्रोल्ड विद इन ए फ्यू वीक्स और विद इन ए फ्यू मंथ्स। ऑलमोस्ट एवरीवन जो है वो हेपेटाइटिस ए के जो पेशेंट्स होते हैं उनको फुल रिकवरी हो जाती है, मतलब उनका कम्प्लीटली ट्रीटमेंट इसका हो जाता है। हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन भी अवेलेबल होती है बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी, हर तरीके से इसकी वैक्सीन भी अवेलेबल रहती है। जब आजकल तो ट्रेंड हो गया है कि बेबी के बर्थ के टाइम पे इस तरह की वैक्सीन बच्चे को मंथली या क्वार्टरली डॉक्टर जो उनके पीडियाट्रिशियन होते हैं वो सजेस्ट कर देते हैं कि ये टाइमली वैक्सीन आप लेते रहिए। तो अगर आप गुड हाइजीन प्रैक्टिस रखेंगे, हैंड वॉशिंग प्रॉपर रखेंगे, तो आपको हेपेटाइटिस ए के चांसेस जो हैं वो बहुत ही कम रहेंगे। ये प्रॉब्लम इतनी बहुत रेयर, मतलब बहुत कॉमन तो है लेकिन बहुत डेंजरस नहीं है।
हिपेटाइटिस बी का जो वायरस है उसका नाम HBV है। ये इन्फेक्टेड पर्सन का जो ब्लड है, यानी कि अगर किसी को ऑलरेडी है तो उसके ब्लड का अगर इन्फेक्शन किसी और को चला गया, इन्फेक्टेड पर्सन के सीमन का कॉन्टैक्ट अगर किसी को नॉर्मल को आ गया, या उसके किसी भी बॉडी फ्लूड का कॉन्टैक्ट अगर किसी नॉर्मल पर्सन को आ गया, या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के थ्रू अगर हो गया, तो हिपेटाइटिस बी किसी भी नॉर्मल हेल्दी पर्सन को हो सकता है। अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने से ये इन्फेक्टेड पर्सन से किसी दूसरे में ट्रांसफर हो जाएगा। कोई भी ऐसी ड्रग नीडल, मतलब जो किसी पेशेंट को सपोज हेरोइन या कोकेन लेने की आदत है और उसको कोई दूसरा भी उसी की नीडल से उसी की सिरिंज से इंटेक कर ले रहा है, एडमिनिस्टर कर ले रहा है, तो उसको भी शेयर करने से ये प्रॉब्लम आ सकती है। कई बार हेल्थ वर्कर्स जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, सपोज वो किसी ऐसे पेशेंट के साथ सर्विस में है जिसको हेपेटाइटिस है, अब गलती से उन्होंने उसको कोई इंजेक्शन लगाया और उसकी निडिल हल्की सी उनकी स्किन पे भी टच कर गई या उनको अंदर तक इन्फेक्ट कर गई, तो उनके ब्लड में भी वायरस आ सकता है। इस कंडीशन में लीवर पूरी तरह स्वेल्ड हो जाता है, लीवर में इतनी ज्यादा स्वेलिंग और इन्फेक्शन आ जाता है कि लीवर कंप्लीटली डैमेज भी हो सकता है, अदरवाइज लीवर में कैंसर का कारण भी हेपेटाइटिस बी से शुरू होता है। हेपेटाइटिस सी का कॉज है HCV वायरस, ये भी हेपेटाइटिस बी की तरह ही उसी तरीके से लीवर में स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन करके फैलता है, किसी इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड के सीमन के बॉडी फ्लूड के कॉन्टेक्ट में आने से हो जाएगा। इसमें भी लीवर में स्वेलिंग होगी, लीवर डैमेज होगा, अल्टीमेटली कैंसर तक इसमें भी प्रॉब्लम आएगी। बेसिकली कैंसर का कारण ये सबसे कॉमन हो जाता है हेपेटाइटिस सी की, अगर किसी को हेपेटाइटिस सी तक की स्टेज आ गई तो उसको लीवर में सिरोसिस और लीवर में कैंसर होना आम बात हो जाएगी। इस सिचुएशन में क्रॉनिक इन्फेक्शन रहने लगेगा पेशेंट को, लीवर के जो टिश्यूज हैं वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएंगे हेपेटाइटिस सी में, जिसे स्कारिंग बोलते हैं, मींस पेशेंट को अल्टीमेटली सिरोसिस हो चुकी होगी। तो ऐसी सिचुएशन में आपको यहाँ पर एक नोटेड पॉइंट है कि जब भी कभी ब्लड बैंक में कोई डोनर ब्लड देता है तो हमेशा ब्लड बैंक ग्रुप और ये जो भी नॉर्मल टेस्ट होते हैं वो तो ब्लड के करता ही है किसी को भी उस ब्लड को देने से पहले, लेकिन सबसे कंपलसरी होता है कि हेपेटाइटिस सी का टेस्ट हर ब्लड बैंक में हर एक ब्लड रिसीवर का होता है, डोनर का हेपेटाइटिस सी का टेस्ट जरूर वो करते हैं कि कहीं गलती से भी ये ट्रांसफ्यूज ना हो जाए किसी नॉर्मल पर्सन को, और सपोज अगर उसमें हेपेटाइटिस सी का वायरस हुआ तो फिर जिसको भी वो ब्लड जाएगा उसको कन्फर्म हेपेटाइटिस और कैंसर या लीवर सिरोसिस हो ही जाएगा। हेपेटाइटिस डी का जो वायरस है वो HDV कहलाता है, और इस केस में ये केवल उन्हीं पेशेंट को होगा जिनको पहले से हेपेटाइटिस बी रहा हो, जो इन्फेक्टेड है बी से उनकी वजह से डी का एक्टिवेशन बॉडी के अंदर आ सकता है, किसी डर्टी नीडल की वजह से, इन्फेक्टेड ब्लड की वजह से, या अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से ये भी उस तरीके से बॉडी में आएगा। लीवर में स्वेलिंग इसका एक बस कारण रहेगा। हेपेटाइटिस ई जो है वो HEV वायरस की देन है, और इसके अंदर ये ड्रिंकिंग वाटर की वजह से होता है कि अगर मान लीजिए आपने कोई ऐसा पानी पिया है जिसमें इन्फेक्टेड था किसी वायरस की वजह से, तब ये प्रॉब्लम आ जाएगी। लीवर में माइल्ड स्वेलिंग या लीवर के अंदर थोड़ा सा इन्फ्लामेशन होगा, लॉन्ग टर्म डैमेज नहीं हो सकता इससे, लेकिन ऐसी सिचुएशन में भी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से थोड़ा बचना चाहिए क्योंकि उससे इसे ज़्यादा फैलने के चांसेस हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी की, तो स्पेसिफिक मैकेनिज्म जो है वो वेरी करता है और डिपेंड करता है उस सिचुएशन पे कि हेपेटाइटिस का कारण कितना सीरियस रहा है और किस लेवल पे लीवर के अंदर इंजरी हुई है। तो इनिशियल लेवल पे जब हम देखते हैं तो लीवर इंजरी या जो इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स है उनका एक्टिवेशन जितना है उस हिसाब से डिपेंडेंट हो जाएगा कि इसे हम क्रोनिक बोलें या एक्यूट बोलें। अगर वो एक्यूट लेवल, मतलब इंजरी या इन्फ्लामेशन बहुत हार्ड नहीं है, बहुत नॉर्मल है, तो वो एक्यूट रेस्पॉन्स है, अदरवाइज अगर उसको प्रोग्रेसिव हो गया तो वो क्रॉनिक में बदलते हुए लीवर के अंदर फाइब्रोसिस करेगा, लीवर के अंदर सिरोसिस करेगा, कैंसर करेगा। ये सारे मैकेनिज्म फॉलो अप होते हैं स्टार्टिंग टू एंड कि आपने ए को ही बिगाड़ दिया तो बी में कन्वर्ट हो जाएगा, बी फिर सी में भी कन्वर्ट होगा, डी भी उसको DB हो जाएगा, इस तरीके से प्रॉब्लम एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाएंगे। अब जो हिपेटिक वायरसेस हैं या जो भी मतलब ऐसे पाथवे हैं जो हिपेटिक वायरस के साथ वायरल हेपेटाइटिस को समझाने के लिए जुड़े हुए हैं वो बेसिकली हेपेटाइटिस बी और सी के केस में दिखाए जाते हैं, या यूं कह लीजिए कि जो पैथोफिजियोलॉजी है वो बी और सी के साथ इसकी ज़्यादा जुड़ी है। वायरस डू नॉट डायरेक्टली कॉज अपोप्टोसिस, इन दोनों केसेस में ये देखा गया है कि जो सेल डेथ लीवर की होती है वो डायरेक्टली वायरस की वजह से नहीं होती। वायरस क्या करता है, लीवर के दूसरे जितने भी सेल्स हैं उनके इन्फेक्शन को एक्टिवेट कर देता है। लीवर की सेल में बाकी की कोशिकाओं में जाकर इन्फेक्शन किया, उन्होंने फिर फर्दर वहाँ जितना भी इम्यून सिस्टम है उसको एक्टिवेट किया इन्फ्लामेशन के लिए। अब वहाँ पर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स पैदा हुआ जिसकी वजह से फर्दर सेलुलर डैमेज और सेल की डेथ होना स्टार्ट हुई है। मतलब डायरेक्ट वायरस ने जाके एपोप्टोसिस नहीं किया, डायरेक्ट वायरस ने जाके सेल डेथ नहीं की, वायरस ने लीवर के दूसरे सेल को इनेट और एक्टिवेट कर दिया इन्फेक्शन को बढ़ाने के लिए,
और फिर वहाँ इम्यून सिस्टम पूरी तरीके से जो है वो डिस्टर्ब हुआ, जिसने इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स पैदा करना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से सेलुलर डैमेज और सेल की डेथ हो गई। अब हम इसकी जो प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, फर्दर वैक्सीनेशन इसका सबसे मेन ट्रीटमेंट होता है, और वैसे टाइप के अकॉर्डिंगली इनका ट्रीटमेंट है। लाइक हेपेटाइटिस ए है तो ये जो स्टेज है, इस स्टेज के अंदर पेशेंट को जरूरी नहीं है हॉस्पिटल के अंदर ले जाना, उसको नॉर्मली ओपीडी में दिखा के ट्रीटमेंट लिया जा सकता है। इसमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट ज़्यादा काम करता है, लाइक इंट्रावेनस फ्लूड देना या एडिक्वेट न्यूट्रिशन उस पेशेंट का प्रोवाइड कराना। बस अगर उसकी डाइट और उसका जो हाइड्रेशन है वो मेंटेन रहेगा तो प्रॉब्लम ट्रीट हो जाएगी। सम कोर्टिकोस्टेरॉइड देकर के भी इसको ट्रीट किया जाता है। हेपेटाइटिस बी एक सीवियर एक्यूट केस है, इसमें पेशेंट को सक्सेसफुल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, स्पेशली एंटीवायरल थेरेपी की। अब ऐसे केसेस में पेशेंट को क्रॉनिक केसेस हो जाते हैं, उनको न्यूक्लियोसाइड एनालॉगस की जरूरत पड़ती है, लाइक लैमिवडीन, एंटीकेवीर और टेनोफोविर। इंजेक्टेबल भी अवेलेबल है इसका, जिसका नाम है इंटरफेरॉन अल्फा, ये भी अप्रूव्ड थेरेपी है हेपेटाइटिस बी के केस में। हेपेटाइटिस सी भी एक बहुत ही सीरियस प्रोग्रेशन है हेपेटाइटिस क्रॉनिक डिजीज का, इसमें भी जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है, अगर ट्रीटमेंट को नहीं किया गया तो हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा होने के चांस होते हैं, HCC जिसको बोलते हैं, या नॉर्मली जिसको सिरोसिस या कैंसर कहा जा सकता है। तो हिपेटाइटिस सी को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली सस्टेन करना पड़ता है बॉडी में वायरोलॉजिकल रेस्पॉन्स को, SVR जिसको बोलते हैं। SVR क्या है, एक अनडिटेक्टेबल वायरल लोड है जो 12 हफ्ते के अंदर अंदर ट्रीटमेंट को कंप्लीट करते हुए 12 वीक्स में ये काउंट करना पड़ता है कि इस पेशेंट के अंदर वायरल लोड कितना है। वायरल लोड की अमाउंट की कैलकुलेशंस को मेंटेन करना पड़ता है कि इस एक पर्टिकुलर लेवल तक वायरल लोड अगर है तो इसका मतलब हेपेटाइटिस सी कंट्रोल हो रहा है, और अगर वायरल लोड वो बढ़ता ही जा रहा है तो समझ लीजिए कि वो अल्फा इंटरफेरॉन या फिर कोई भी ऐसी हेपेटोसेलुलर प्रोटेक्शन की जो इंजेक्टेबल्स अवेलेबल हैं वो काम नहीं करेंगी। तो वायरल लोड को पहले सस्टेन करना जरूरी है, फिर कार्सिनोमा को सस्टेन किया जाएगा या ट्रीटमेंट किया जाएगा। अवेलेबल जो ट्रीटमेंट है अभी तक वो इनडायरेक्ट या डायरेक्ट में सब एंटीवायरल ड्रग्स इसके लिए अवेलेबल हैं। इसमें जो एंटीवायरल इंक्लूडेड हैं वो है पेगाइलेटेड इंटरफेरॉन और रिबावीरिन, RBV जिसको बोलते हैं, और बाकी कॉम्बिनेशन में कुछ थेरेपीज हैं, और अदरवाइज फिर कीमोथेरेपी और रेडियोलॉजी, इस तरह के ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं। जो हेपेटाइटिस डी है उसको ट्रीट करना बहुत डिफिकल्ट है बिकॉज वो पहले ही बी के क्रॉनिक स्टेज को बढ़ा के डी हुआ है। तो ऐसे में इंटरफेरॉन अल्फा समटाइम्स इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, लेकिन कई बार वो वायरल की एक्टिविटी को इनहिबिट करने में कामयाब हो जाता है, तो बस वही एक ट्रीटमेंट इसमें दिया जा सकता है, अदरवाइज पेशेंट की डेथ होने के चांस होते हैं। ई जो है वो सिमिलर हेपेटाइटिस ए की तरह है, हेपेटाइटिस ई में भी सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही दिए जाते हैं, पेशेंट को रेस्ट करने के लिए बोला जाता है, एडिक्वेट न्यूट्रिशन और बहुत ही साफ पानी और उसका हाइड्रेशन मेंटेन किया जाता है, और हॉस्पिटलाइजेशन की इसमें कभी कभी जरूरत पड़ सकती है, अदरवाइज वो भी उन केस में जिनको सीवियरिटी हो गई है, कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा है या प्रेग्नेंट वूमन को, अदरवाइज पेशेंट को नॉर्मली घर पे ही ट्रीट किया जा सकता है। इसके बाद हमारा है अल्कोहलिक लीवर डिजीज। अल्कोहलिक लीवर डिजीज में क्या कंडीशन है, इसमें आप देखेंगे कि लीवर में सेल डेथ हो रही है, लीवर के अंदर एपोप्टोसिस हो रही है, सिरोसिस पैदा हो रही है। रीजन एक ही है, अगर हम इसे देखें तो जितने भी हम लीवर के डिजीज पढ़ रहे हैं या हेपेटाइटिस पढ़ रहे हैं उसी का एक रूप है ये भी। इसका जो मेन कॉज है, जिसके वजह से इसका नाम रखा गया, दैट इज हायर कंजप्शन ऑफ एल्कोहल। तो एल्कोहल का एक्सपोजर अगर हम लीवर पे ज्यादा बढ़ाएंगे तो एल्कोहलिक हेपेटाइटिस ही हो जाएगी, यानी कि स्टियोसिस, लीवर में स्वेलिंग, सूजन आना और कैंसर हो जाना, या लीवर के अंदर सिरोसिस पैदा हो जाना, कि लीवर का पूरी तरह से सेल्स का डैमेज हो जाना। इट इज ए टर्म दैट एनकम्पासिस द लीवर मैनिफेस्टेशंस ऑफ एल्कोहल, ओवर कंजप्शन। एल्कोहल का जब ओवर कंजप्शन पेशेंट कोई भी व्यक्ति करेगा तो उसको फैटी लीवर की प्रॉब्लम, एल्कोहलिक हेपेटाइटिस या क्रॉनिक हेपेटाइटिस या लीवर फाइब्रोसिस और सिरोसिस, ये सारी मिलीजुली चीज़ें लीवर के अंदर होने लगेंगी, या यूं कह लीजिए इन सभी डिजीज को कंबाइंड करके कह दिया जाता है एल्कोहलिक लीवर डिजीज। ठीक है, ओवर कंजप्शन कर रहे हैं एल्कोहल का, उसकी वजह से फैटी लीवर हुआ तो एल्कोहलिक हेपेटाइटिस होने के चांस होंगे, फिर उसको क्रॉनिक हेपेटाइटिस हो सकती है बी और सी, और अल्टीमेटली फाइब्रोसिस लीवर में या सिरोसिस, ये प्रॉब्लम हो जाएंगी। तो इस केस में जो मेजर कॉज है लीवर डिजीज के अंदर वो है फैटी लीवर, कि आपने अल्कोहल का कंजप्शन ज़्यादा करने से लीवर में स्टियटोसिस कर दी, फैटी लीवर जिसको बोलते हैं। ये एक बार अगर हो गई तो आपको अल्कोहल का जो बीवरेज आप लेते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक, उसकी जो लार्ज क्वांटिटी आप लेते रहते हैं,
वो आपके अंदर एक ऐसी सिचुएशन पैदा करेगी जिससे लीवर को पूरी तरीके से क्रॉनिक सिचुएशन हो जाएगी लीवर सिरोसिस की, मतलब लीवर फैटी हुआ था और उस वजह से लीवर के अंदर सेल्स ने अपनी डेथ कर दी या सेल्स एक दूसरे के साथ फैगोसाइटोसिस में आ गई और उन्होंने काम करना बंद कर दिया। इसके जो सिम्टम होंगे होगा एक तो एब्डोमिनल या टमी पेन, लॉस ऑफ एपिटाइट, फैटीग, डायरिया, येलोइश ऑफ द स्किन, व्हाइटनेस ऑफ द आई यानी कि जॉइंटिस, या पैरों और एड़ियों में या पंजों में टांगों में सूजन आ जाना और एब्डोमन पे सूजन आ जाना जिसे एसाइड्स कहते हैं, फ्लूड भर जाना एब्डोमन की बाहर की कैविटी में, फीवर रहना, हाई टेम्परेचर, सीवरिंग होना, बार बार कंपन आना, वेरी इची स्किन, स्किन पे एज पड़ जाते हैं, हेयर का लॉस हो जाता है, अनयूजुअल कर्व फिंगर ट्रिप्स हो जाती हैं और नेल्स भी कर्व्ड फिंगर्स क्लब्ड हो जाते हैं, नेल्स जो हैं वो फिंगर टिप्स जो हैं ये कर्व्ड हो जाती हैं, ब्लोची रेड पाम्स हो जाती हैं, सिग्निफिकेंट वेट लॉस होता रहता है, वीकनेस और मसल वास्टिंग होने लगती है, पेशेंट को कन्फ्यूजन और मेमोरी प्रॉब्लम भी होने लगती है, ट्रबल स्लीपिंग, स्नोमनिया, इंसोमनिया हो जाता है और पर्सनैलिटी भी चेंज होने लगती है पेशेंट की धीरे धीरे ब्रेन के अंदर, क्योंकि टॉक्सिन्स धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, वॉमिटिंग, ब्लड की आ सकती है कई बार, स्टूल्स जो हैं वो ब्लैक हो सकती हैं, हार्ड हो सकती है इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से, और नोज ब्लीडिंग हो सकती है, गम्स ब्लीडिंग, ब्लीडिंग गम्स हो सकते हैं, और अल्कोहल और ड्रग्स की सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा पेशेंट के अंदर बढ़ सकती है। तो ये इसके कुछ सिम्टम्स हैं। ये स्टेजेस हैं लीवर डैमेज की, कि ये सबसे ऊपर आप देख रहे हैं हेल्दी लीवर है, जब अल्कोहल का कंजप्शन बढ़ेगा तो इस तरह से फैटी लीवर में कन्वर्ट होगा, अगर इसको यहीं पे कंट्रोल नहीं किया गया तो लीवर फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाएगी और अल्टीमेटली सिरोसिस हो जाएगी, जिसे हम लीवर कैंसर भी कह सकते हैं, परमानेंट डैमेज ऑफ द लीवर। पैथोफिजियोलॉजी क्या है इसकी, एक तो है फैटी चेंज के हिसाब से, फैटी चेंज मतलब जब लीवर फैटी होना स्टार्ट हुआ था, अल्कोहलिज्म ने डेवलपमेंट किया लार्ज फैटी ग्लोब्यूल्स का, लीवर की सेल्स में स्टेटोसिस जब हुई तो लार्ज फैटी ग्लोब्यूल्स बनना शुरू हुए पूरे लीवर की सेल्स में, एंड कैन बिगन टू अकर आफ्टर ए फ्यू डेज ऑफ हैवी ड्रिंकिंग, लगातार ये बढ़ते रहेंगे और पेशेंट को हैवी ड्रिंकिंग की हैबिट भी लगातार बढ़ती रहेगी, क्योंकि फैटी ग्लोब्यूल्स बढ़ गए हैं, वो डिमांड करते हैं हैवी ड्रिंकिंग की। एल्कोहल इज मेटाबोलाइज्ड बाय एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। अब यहाँ प्रोसीजर समझिए कि एल्कोहल की वजह से फैटी लीवर में कंडीशन कैसे बिगड़ती है। देखिए एल्कोहल क्या है, एक मेटाबोलाइज्ड होता है एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज नाम के एंजाइम से इनटू एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड ऑलरेडी वहाँ लीवर में मौजूद है, तो ADH जो है एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, इसका मेटाबोलिज्म होना जरूरी है, जो आप एल्कोहल ले रहे हो उसमें जब वो अंदर जाएगा तो ADH की वजह से एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो लीवर के अंदर मौजूद है वो एसिटाल्डिहाइड में मिलके वहां पर उसका मेटाबॉलिज्म करेगा एल्कोहल का, अगर उसका मेटाबॉलिज्म हो जाएगा तो वो बन जाएगा एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज जो कि एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, फाइनली ये फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो अगर ये सिचुएशन बन रही है तो एल्कोहल को हम कह सकते हैं कि पूरी तरह मेटाबॉलिज्म हो रहा है, लेकिन जब फैटी लीवर बन जाता है तो एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम ब्लॉक होना शुरू हो जाता है, जब एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम ही नहीं बनेगा तो फिर वो फर्दर उसको मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगा एल्कोहल को, जिसकी वजह से उसका